सीएसई टेक गाइड में एक बार आपका फिर से स्वागत है। और जैसे कि आज आपने टाइटल देख लिया होगा, पासपोर्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ। पहले एक वीडियो में डाल चुका था, लेकिन अब लोगों को पसंद नहीं आया, या वो वीडियो एक्चुअली बहुत ज़्यादा लंबी थी। मैंने उसमें सारे टॉपिक्स कवर कर दिए थे, पर व्यूवर्स को ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ जाननी हो, तो पार्ट्स में डालूंगा। इस वीडियो में मैं सिर्फ फ्रेश पासपोर्ट के बारे में कवर करूंगा, रिन्यूअल का अलग वीडियो बना दूंगा, ठीक है? तो पासपोर्ट भरने का तरीका जो है वो अभी आगे दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें हैं मोटी मोटी जो मैं बता दे रहा हूँ अभी फ्रेश पासपोर्ट के बारे में, ठीक है? तरीका बता दूंगा, तरीका बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, और ये तरीका देख करके आप घर बैठे फॉर्म भर सकते हो। कुछ चीज़ें मैं बता रहा हूँ, उनको आपको ध्यान से सुनना है। पासपोर्ट भरने के लिए दो चीज़ें देखी जाती हैं, ECR, ECNR, इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड, नॉन इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड। मतलब इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड मतलब वो होता है जाहिलों वाला, ECNR वो होता है जो पढ़े लिखों वाला होता है, ठीक है? ये दो चीज़ें हो गई। अब इन दो चीज़ों में ECR में जो होता है उस पर डॉक्यूमेंट क्या लगता है? आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये दो चीज़ें दोनों में ज़रूरी हैं। ECR और ECNR में आधार कार्ड पैन कार्ड दोनों ज़रूरी हैं, ठीक? ज़रूरी, अब यहाँ पर लोग सवाल करते हैं कि ऐसा नहीं है, लेकिन सेफ साइड रहता हूँ, मेरा काम ही ये मेन है, मैंने बहुत से पासपोर्ट भरे हैं, तो मैं ये दो चीज़ें मैंडेटरी लेके भेजता हूँ। मैं अपना तजुर्बा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जिससे आज तक कि मेरा कोई बंदा ऊपर वाले की कृपा से आज तक वापस नहीं आया। तो दो चीज़ें मैंडेटरी हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड। अब तीसरा डॉक्यूमेंट जो आया, ECR में आपका लगेगा बैंक की पासबुक, या बिजली का बिल, या DL, या वोटर कार्ड, ठीक है? ये चार चीज़ें हैं, बैंक की पासबुक, बिजली का बिल, वोटर कार्ड या DL। इसमें भी सबसे सेफ साइड क्या होता है? बैंक की पासबुक। बैंक की पासबुक में फ़ोटो लगी हुई हो, ठीक? आधार, पैन कार्ड, बैंक की पासबुक। बैंक की पासबुक नहीं है, बिजली का बिल नहीं होता अक्सर, क्योंकि वो माँ बाप के नाम होता है, DL नहीं होता है, वोटर कार्ड होता है पर वो गलत बना होता है, एग्जैक्ट नहीं बना होता है। सबसे सेफ क्या होता है? बैंक की पासबुक। तो आधार, पैन कार्ड, बैंक की पासबुक, ये तीन चीज़ें मिला करके फॉर्म भर दोगे। गारंटी लेता हूँ मैं इस बात की, कमेंट सेक्शन भी खुला रहता है, टेलीग्राम का पेज भी खुला रहता है, आप जो चाहो कह सकते हो, ठीक है? मुझे कोई वो नहीं होगा, लेकिन अगर तीनों चीज़ें आइडेंटिकल होंगी तो, ठीक है? तीसरा जो ये सॉरी ECNR में आधार पैन कार्ड हो गया, तीसरा हाई स्कूल की मार्कशीट। बहुत से लोग बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट, बहुत ज़्यादा ओवर क्वालिफाइड होते हैं कि यार आई एम जैसा PhD होल्डर, मैं मास्टर्स हूँ, तो मैं सब डिग्री ले जाऊँगा, हाई स्कूल, इंटर, मार्कशीट, ग्रेजुएशन और मास्टर सब कुछ ले जाऊँगा। तो भाई जान एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, तजुर्बे के हिसाब से मैं गया था पासपोर्ट ऑफिस, में देखा था मैंने, अक्सर जो लोग बहुत काबिल बन के आते हैं वो गलती वहाँ निकाल दी जाती है जो आप लोग भी नहीं देख सकते हो अपनी मार्कशीट्स में। तो बेहतर ये है कि हाई स्कूल और इंटर की ही ले जाओ बस, या मेरा कहना मानो सिर्फ हाई स्कूल ले जाओ, वहाँ बोलो ही मत कि मैंने इंटर किया है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि जितने ज़्यादा डॉक्यूमेंट ले जाओगे उतनी ज़्यादा चेकिंग हो जाती है, क्रॉस चेकिंग होती है, कहीं ना कहीं कोई नुकसान नहीं निकाल दी जाती है। तो बेहतर यह है कि सिर्फ हाई स्कूल की मार्कशीट, सर्टिफिकेट जो भी दोनों ले जाओ। कुछ में हाई स्कूल, इंटर, हाई स्कूल की मार्कशीट दोनों एक साथ थी, कुछ में अलग अलग होती हैं, तो आप हाई स्कूल तक ही ले जाओ, उसके बाद का बोलो मैंने किया ही नहीं। आधार कार्ड, पैन कार्ड, इनमें बैंक की पासबुक होगी और इनमें हाई स्कूल की मार्कशीट होगी। ये डॉक्यूमेंट ले जाओगे, आपका फॉर्म एकदम एक नंबर का सटीक भरा जाएगा। फीस जो आपको बेहतर लगे, जैसा आपको लेना है वैसे कम ही लो, क्योंकि फॉर्म इतना नहीं कुछ हेक्टिक है। अभी आगे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फॉर्म कैसे भरना है, ठीक है? कोई परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं, ठीक है? तो जैसा कि अभी आपने देखा, मैंने यहाँ पर पोर्टल में लॉगिन कर लिया। लॉगिन कैसे करना है ये तो खैर आप लोग को पता ही है, इसके लिए बताना नहीं है। यहाँ पर ये अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट, ये एकदम उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो बिगिनर्स हैं, जिन्होंने करा ही नहीं है। तरीके मैंने बता दिया, फॉर्म भरना सिखा रहा हूँ, ठीक है? ये करा, फिर यहाँ पर ये गए फ्रेश, ये री इशू, जिनका रिन्यूअल होता है वो यहाँ पर है नॉर्मल तत्काल, तो आप बस इनका पहली बार भर रहा है तो ये हुआ, ठीक। अब सारा डिटेल्स इनकी जो होंगी आधार कार्ड के हिसाब से भरते चले आओ, आधार, पैन, मार्कशीट सब मिला करके, ठीक है? ये सब डिटेल्स भैया ब्लर रहती हैं, तो बाद में कोई ये ना कहे कि कुछ दिखाया नहीं, ठीक है? ये हुआ अदर नेम के में, दो दोनों पे आपको नो नो करना है, ठीक है? दोनों चीज़ में आपको नो नो करना है। फिर यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आई, डेट ऑफ बर्थ आपको डालना है,
डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है? ठीक है, ये आया आपका डेट ऑफ बर्थ। ठीक, प्लेस ऑफ बर्थ जो है इनकी वो डाल दो, इनकी क्या है प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक, मैरिटल स्टेटस क्या है, शादी नहीं हुई है इनकी। पैन नंबर है, क्योंकि पैन नंबर ही भी लगा देकर, क्योंकि पैन नंबर जो होता है वो एज अ बर्थ प्रूफ माना जाता है, तो पैन नंबर आपको लगा दोगे तो बेहतर रहेगा। ठीक है, ये हुआ। ठीक, वोटर आईडी रहन दो, एक चीज लगा दो काफी है। यहाँ पर अदर्स में लगा दिया, यहाँ पर नो पे कर दिया। ये जो कॉलम है एजुकेशन वाला, इसमें आपको जरा ध्यान देना है। ठीक, इसमें आपको ये हाई स्कूल बस पास है तो बस ये लगाओ, ये ग्रेजुएट चक्कर में ना पड़ना, ये सब पे टिक ना करना, क्योंकि इन सब में अगर आओगे तो फिर वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी निकल जाती है। तो चुपचाप आप भले पीएचडी होल्डर भी हो तो भी आप 10+ पास कर दो बस, क्योंकि 10th पास हो, पीएचडी कर रहे हो, भले कुछ भी करते हो, उसमें ECNR ही लिखकर आ जाएगा बस। ठीक है, तो आप बस 10th पास एंड अबव कर लो, तो खाली हाई स्कूल की मार्कशीट ले आना बस। ठीक है, ज्यादा वहाँ काबिल बनने की जरूरत नहीं होती है कि मैंने सब कुछ करा हुआ है। अक्सर लोग होते हैं जो अपना को बहुत काबिल समझते हैं और वहाँ कुछ ना कुछ गलती हो जाती है और फिर रोक दिए जाते हैं। ठीक है, तो फिर यहाँ पर ना आधा नंबर डाल करके आपने इसको यहाँ पर चुपचाप सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद ये आपका सेव हो गया। ठीक, सेव होने के बाद आपने फिर यहाँ पर टिक लगाया और ये आप आगे नेक्स्ट करा। अब यहाँ पर इनके डिटेल, फादर मदर का नेम, आधार, पैन कार्ड और मार्कशीट से तीनों से मिला लो। ठीक, ये हुआ। और इनकी माँ का नाम, माँ का नाम लिखा होता है आपकी मार्कशीट में। ठीक, ये हुआ। अब आपने नेक्स्ट कर दिया। अब यहाँ से इनका हुआ एड्रेस का, तो एड्रेस के लिए परेशान ना होना, एड्रेस पूरा कभी लिख के नहीं आता है, तो जहां तक होए वहां तक कर लो। ठीक, जहां तक होए वहां तक भर लो, उसके बाद कुछ कमी पेशी अगर होती है तो वो लोग पासपोर्ट ऑफिस वाले खुद ही अपने हिसाब से ठीक कर देते हैं, उसके लिए परेशान ना होना। अक्सर लोग परेशान होते हैं कि यार कौन सा क्या होगा, तो उसके लिए आप परेशान ना होना एकदम। ठीक है भैया, अब ये इनका थाना, थाने का मैं पहले बता चुका हूँ, थाने का मतलब अगर थोड़ा सा भी गलत हो गया तो पूरा फॉर्म की सत्या पिट जाती है, लंका लग जाती है पूरे फॉर्म की, अगर थाना गलत हो गया। बहुत ही आपको ध्यान देना है इस चीज में, अगर आपने थाना गलत डाल दिया तो थाने को जो होता है वो आग खोल के डालना। और यहाँ पर देखो, अब ये थाना जो इनका ये हुआ। ठीक, अब इनका हुआ मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर। ठीक, ये हुआ। ठीक, ये सब डिटेल्स आपको डालनी है, कुछ इसमें होता नहीं है। लोग पता नहीं पासपोर्ट का फॉर्म भरने से डरते क्यों हैं, मैंने तो पता ही नहीं कितने फॉर्म भर डाले। ठीक, ये हुआ आपका। ठीक, ये करने के बाद आपने यहाँ पर चढ़ाक से नेक्स्ट कर दिया। फिर यहाँ पर एक इमरजेंसी कॉन्टेक्ट, तो इनके अब्बा का नाम ही डाल दो। ठीक, इनके अब्बा का नाम डाल करके, जो भी हो उनके अब्बा का नाम डाल दो, ये सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए होता है, इसमें कुछ होता नहीं है। ठीक है, इसमें कुछ नहीं होता है कि किसी के पास कॉल जा रही, कुछ जा रही, कुछ नहीं होता है। ये किसी का डाल दो, अपना डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, मैं डालने मतलब मजाक कर रहा हूँ, अपना मत डाल देना, ये उसी किसी के रिलेटिव पे डाल देना, कोई घर वाले हों या रिश्तेदार हों, बीवी हो, बहू हो, बेटी हो, कोई भी हो तो डाल देना। ठीक, नंबर किसी का डाल दो, ये आगे बढ़ गए। यहाँ पर आप नो कर दिए, ये सब जो फ्रेश भरे जा रहे हैं यहाँ पर सबको नो करना है। ठीक है, ये नो 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 करना है। कुछ लोग होते हैं जो यहाँ पर ये ऑप्शन होता है ये वाला, तो ये अभी आपके काम का नहीं है, मसले फंसते हैं ये वाले के भी, तो ये कई बाद में बताऊंगा। अब सिंपल आपको यहाँ सब में नो कर देना है कि आईडी सर्टिफिकेट है नहीं, कभी पहले के पासपोर्ट भरा ही नहीं है, कभी पासपोर्ट भरा हो, फाइल नंबर मिल गया हो पर हाथ में ना आया, तो उसके लिए ये होता है, तो ये आपको कस्टमर बताएगा। ठीक, तो बहरहाल ये आगे बढ़ गए हम। आगे बढ़ने के बाद यहाँ सब पे आपको नो नो कर देना है बस। ठीक, यहाँ पर सबको नो नो कर दो बस। ठीक, ये नो हो गया। नो करने के बाद यहाँ से आप चुपचाप आगे बढ़ गए। अब नो नो क्या होता है आप पढ़ लेना, यहाँ डिटेल्स पूरी देखो, पूरी आ गई कस्टमर जो है उनकी पूरी डिटेल्स यहाँ पर आ गई सामने, कैसा क्या होता है। ठीक, ये आप एक बार देख लोगे इसको और कस्टमर को आपको भेजना के मैं बता दे रहा हूँ। ठीक, ये हुआ। अब यहाँ मेन चीज देखो, यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है पैन कार्ड, तभी मैं बता रहा था कि पैन कार्ड क्यों लगते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है पैन कार्ड।
ये हुआ और करके सेव में डिटेल्स कर दो। ठीक, अब ये करने के बाद प्रीव्यू एप्लीकेशन करा। प्रीव्यू एप्लीकेशन करने के बाद ये पूरा जो है इस पूरे को यहाँ से इसकी पीडीएफ बना करके जिनका भी है उनको आप चढ़ाक से भेज दो कि भैया एक बार चेक कर लो। फिर बता रहा हूँ मैं बात ये कि ये काम जरूर करना जब तक कि कस्टमर अपने मुंह से ना बोले कि हाँ ये सही है, तब तक आप इसको लॉक ना करना, वरना मियाँ 1500 की तो मरेगी मरेगी, गालियाँ अलग खाओगे। ठीक है, तो ये है पूरा प्रोसीजर। ठीक है, अभी मैं इसके आगे भी सबमिट करके बताता हूँ कि कैसे क्या होगा। तो मैंने खैर उनसे भाई साहब से चेक करवा लिया, उन्होंने कहा कि हाँ एकदम ठीक है। तो अब यहाँ पर ये था भाई का हमारे, ये मैंने क्लिक किया इस पे और अब इसको मुझे पेमेंट करना है। ठीक है, पेमेंट करने के लिए पहले मुझे इनका फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है, एक बार पहले जल्दी जल्दी मैं इनका पूरा चेक कर लूँ। ठीक है, कुछ करना तो खैर है नहीं, सब चेक कर लिए भाई ने, तो मुझे तो खाली यहाँ से इनका आगे बढ़ाना है। आप लोग भी जब कुछ छेड़खानी मत करिएगा इसमें जब तक वो कहे ना अपने मुँह से कि हाँ कुछ करना है। ठीक है, ज़्यादा काबिल बनने की ज़रूरत नहीं है पासपोर्ट में, वरना दिक्कत हो जाएगी आपको। ये पूरा हो गया है, अभी जो स्टेप एक बताऊंगा उसके बाद शायद आपको दिक्कत होगी। पेमेंट करने के बाद इसमें एक दिक्कत आती है जो आती ही आती है। ठीक है, ये यहाँ से कर दिया, ये मैंने कर दिया सेव माई डिटेल्स। ठीक है, अब सेव माई डिटेल्स के बाद यहाँ पर मैंने फॉर्म को सबमिट कर दिया। ठीक, सबमिट करने के बाद बैक नहीं हो सकता है, ये याद रखना, सबमिट कर दिया तो सबमिट कर दिया, अब इसके बाद आपको जो है वो नया ही भरना पड़ेगा। ठीक, अगर कोई दिक्कत हो जाती है तो। अब ये अपॉइंटमेंट आया, ऑनलाइन करना है आपको। ठीक, चलान मत निकालना, दर्द बन जाएगा आपके लिए, तो आप लोग इसका ऑनलाइन ही कर लेना। ठीक, ऑनलाइन करने के बाद आप आगे बढ़े, आगे बढ़ने के बाद ये आपका आया लखनऊ आया। ठीक है, ZBBY70 आया, अब ये आपका है। ठीक, अब ये आपका अपॉइंटमेंट देना है। ठीक, ये आपका हुआ 14 नवंबर, मैं अपॉइंटमेंट दे रहा हूँ इनको 14 नवंबर का दे रहा हूँ। इन्होंने जो मुझसे कहा था कि मुझे अपॉइंटमेंट आप 14 नवंबर का दिए। ठीक है, तो इनका 14 नवंबर का मैंने यहाँ से बुक कर दिया। ठीक, अब इसके बाद खुला पेमेंट वाला पेज। ठीक, यहाँ पर आपका नेट बैंकिंग 6 रुपये मारता है, नहीं भाई 6 रुपये तो ना हम देंगे तुम्हें, हम अपने कार्ड से पेमेंट कर देंगे 6 रुपये में, भैया एक हम कटिंग चाय पी लेंगे। ठीक है, और ये आपका खुल गया कार्ड वाला सेक्शन, इसको तो भैया हाइड करना ही पड़ेगा, ये हाइड करें ना करें तो भी भैया दिक्कत है। ये करा, ठीक है, ये गए, ये गए, ये गए, पेमेंट मार दिया। ठीक, ये हमारे मोबाइल में आया OTP, ये हमारे मोबाइल में आया OTP और OTP आया 3, ये आया। ठीक, ये आपने मार दिया OTP। ठीक है, और ये आपको कुछ नहीं छेड़खानी करनी है आपको यहाँ पर, ये ऑटोमेटिक आपको बैक कर देगा, यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक, 10 सेकंड में अभी एग्जिट कर दिया है। ठीक है, ये पेज आपका एग्जिट कर गया है, घबराना मत यहाँ पर, एकदम परेशान ना होना। फिर यहाँ आपको आप एग्जिस्टिंग में जा करके लॉग इन करना है। ठीक है, हमें आप घबराना मत एकदम, तो ये क्या हुआ, पैसा मर गया, कुछ नहीं, परेशान ना, बता रहा हूँ जुगाड़ क्या होती है इसके लिए। लॉग इन करा आपने, ये गया यहाँ पर, आपने इस पर क्लिक किया, यहाँ पर जो क्लिक करा रहा है इनिशिएटेड। ठीक है, इनिशिएटेड लिखा यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ पर आपको बस यहाँ पर जाना है, ट्रैक पेमेंट स्टेटस इस पर क्लिक करना है, ये लिखा हुआ है जो, इसको आपको चुपके से वेरीफाई करना है। ये देखो वेरीफाई आपका हो गया, सक्सेस हो गया। ठीक है, ये आपका देखो आपका सक्सेस हो गया। अब यहाँ से आप चुपके से बैक आ गए, फिर आप सबमिटेड में गए, ये आपने क्लिक किया, गए पे एंड स्केड्यूल फॉर अपॉइंटमेंट। ठीक, अब यहाँ पर जा करके आपको फिर से इनका अपॉइंटमेंट जो है वो करना है, फिक्स करना है। ठीक है, तो ये सब इसमें होता है, इतना कोई दिक्कत नहीं होता है फॉर्म भरने में। बस जो लोग नहीं भरते वो लोग घबराते बहुत है कि 1500 रुपये बहुत भारी पड़ जाते हैं, गलत कुछ हो गया, नहीं यार इतना घबराया ना करो। ये आपका मैंने कर दिया बुक, और ये देखिए आपका झमाझम खुल गया, रसीद निकल गई, और रसीद निकलने के बाद
यहाँ पर एक इनके मोबाइल पे एक SMS मार दूं, ठीक, SMS पहुंच गया उनके पास, ठीक, और यहाँ से आपने उनका एक रसीद निकाल करके इनको आपने PDF भेज दी निकाल करके। ये आया, आपने इसका निकाला, और ये आपका आया सल्तन फाइनल अपॉइंटमेंट, ठीक, ये अपॉइंटमेंट निकल गया। यहाँ पर आप बैक है, आप लपक के आपने इसको लॉग आउट कर दिया। फिर जो भाई है हमारे, मैंने क्लिक किया, मैंने जा करके इनको सुल्तान फाइनल अपॉइंटमेंट इनको मैंने ये व्हाट्सएप कर दिया, ठीक। 14 नवंबर भाई ने लेके भेजा था, तो मैंने 14 नवंबर को उनको भेज दिया। ये है पूरा मसला आपका, ठीक है। पासपोर्ट ले करके कुछ दिक्कत हो तो आप मुझसे प्लीज पूछ लीजिएगा आगे। तो अभी आपने देख लिया फॉर्म मैंने कैसे भरा। अब ये फॉर्म ऐसा है कि अगर कोई बच्चे को सिस्टम भी दे दोगे तो वो भी ये फॉर्म भर लेगा। और समझ मुझे ये नहीं आया आज तक की, 6-7 साल से मैं ये काम कर रहा हूँ, लोग इसको इतना हाइप क्यों देते हैं कि 1500 फीस कटती है, 1800, 2000, भाई साहब 2500 लोग ले लेते हैं इसके पासपोर्ट के फॉर्म भरने के लिए। क्या है यार इसमें, सब तो मैंने बता दिया, कुछ इसमें इतना है नहीं, सब डिटेल्स, जो डिटेल्स ही तो डालनी है तुम्हें, खाली डिटेल्स डाल के आखिरी का पेज निकाल के बस कस्टमर को तुम्हें देना है। वो कस्टमर जब तक वो उस पेज पे ओके ना कर दे साइन, मैं तो साइन कराता हूँ बकायदा, मैं तो कस्टमर से उस पेपर पर साइन कराता हूँ जो मैंने दिखाया था अभी सबमिट, जो फॉर्म प्रिंट आउट निकलता है उस फॉर्म पे मैं साइन तक कराता हूँ कि कल ये ना कहे कस्टमर कि ये गलती हो गई थी, उसके बाद सबमिट कर देता हूँ, बाकी वो समझे वो समझे। तो ये है पूरा प्रोसीजर पासवर्ड भरने का। इसमें कुछ पूछना हो, कुछ पूछने लायक ही नहीं खरी इसमें, फिर भी पूछना हो तो टेलीग्राम का पेज भी है, चैनल भी है, मेरा कमेंट सेक्शन तो हमेशा खाली रहता है, ठीक है। तो कुछ परेशानी हो तो मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और रिन्यूअल वाला जो है वो भी मैं इसके अगला वीडियो जो आएगा तो मैं रिन्यूअल का भी आपको बता दूंगा उसमें, ठीक है। तो टेक केयर, गुड नाइट एंड थैंक यू। रात हो रही थी, मैंने गुड नाइट कहा है आपको, ठीक है।